नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की कम सीटें आने के सवाल पर मंथन जारी है। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से 4 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान कहे जाने चाहिए। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनी कमी भांप ली थी, इसलिए सत्ता परिवर्तन किया, परंतु उसके बाद भी वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर सके। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गलती की। वह उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद पर देखना पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन उसने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब कुछ जोर लगा दिया। राजस्थान में भाजपा की बड़ी नेता वसुंधरा राजे को कोई तरजीह नहीं दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में सब कुछ सामान्य रहा, सब कुछ अच्छा रहा। फिर भी सबसे बड़ी पराजय उत्तर प्रदेश में ही हुई। कहा तो यह जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में राम ही हार गए, क्योंकि अयोध्या में भी भाजपा हार गई। सही कहें तो यह सच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दिलों से लौटे हुए लोगों ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, जो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के पराजय के कारणों की तफ्तीश करती है, लेकिन उस रिपोर्ट में भी सच कहने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं जुटाई है। हम आपको भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में पराजय के कारणों के बारे में विस्तार से बताते हैं। वैसे तो राम के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, युद्ध ही युद्ध है। कई बार वो खुद से लड़ते हुए नजर आते हैं। यह किसी भी इंसान के जीवन की भांति है, जो सतत संघर्ष से भरा हुआ होता है। हर युद्ध या संघर्ष में हार या जीत होती है, जीवन के युद्ध में भी यही होता है। पर राम ने जितने भी युद्ध लड़े, वह कोई सामान्य युद्ध नहीं थे, वह अलग थे। उनमें हार जीत की जगह कुछ नई स्थापनाएं हुई, कहीं मूल्यों की, कहीं मानव की, कहीं पुरुष की, कहीं प्रकृति की, तो कहीं आदर्शों और मर्यादाओं की। राम से जोड़कर एक युद्ध राम की धरती पर लोकसभा चुनाव में भी लड़ा गया। अब चुनाव के नतीजों को युद्ध के नतीजों सरीखा बताया जा रहा है। खुद को हिंदुत्व या सनातनी कहने वाले हों या इनके विरोधी, दोनों के अलग अलग दावे हैं। उनमें से कोई कह रहा है राम जीते, कोई कह रहा है राम हारे। चुनाव रूपी युद्ध आपने लड़ा और उसके परिणाम को राम के साथ जोड़ दिया, यह कैसी समीक्षा, यह कैसी परिभाषा है? यह सर्वथा गलत है। राम अपने जीवन में न तो हारे न जीते, इसी तरह 2024 के चुनाव में भी न तो राम हारे न वह जीते। भला चुनाव से राम का क्या लेना देना है? आप राम को चुनाव से अलग रखें तो यह बेहतर होगा। भगवान की नगरी अयोध्या में भाजपा के उम्मीदवार लल्लू सिंह की पराजय को लोग राम युद्ध का आधार बना रहे हैं, पर हकीकत यह है कि वहां अवधेश जीते हैं। वहां संविधान बदलने का असत्य कहने वाला दावा हारा है, यानी सत्य जीता है, असत्य हारा है। जो लोग असत्य से राम का रिश्ता जोड़ रहे हैं, उनकी बलिहारी है। बहरहाल 2024 के चुनावी नतीजों को बारीकी से देखने में कई चीज़ें निकल कर आती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बहुत खास है, क्योंकि यहाँ की 80 सीटें केंद्र की सत्ता का निर्धारण करती हैं। इस मर्तबा भी यही हुआ। विश्लेषण के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वोट पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में 8.5% कम हो गए। इस बार भाजपा को 41.31% वोट मिले, जबकि 2019 के चुनाव में भाजपा को 49.98% वोट हाथ लगे थे। पिछली बार से सीटें भी घटकर 33 रह गईं, यानी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी, 29 कम सीटें उसके हाथ लगीं। भाजपा सबसे अधिक वोटों से गौतम बुद्ध नगर में जीती। वहां भाजपा उम्मीदवार महेश शर्मा ने 5.59 लाख से अधिक वोटों से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को हराया। जीत का अंतर देखें तो हाथरस में 2.47 लाख, मथुरा में तकरीबन 3 लाख, पीलीभीत व कैसरगंज में क्रमशः 1.64 लाख और 1.48 लाख वोटों से भाजपा जीती। झांसी, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर आदि सीटों पर जीत हार का अंतर 1 से 1.5 लाख का रहा, पर कई जगह जीत का अंतर बहुत कम रहा। इतना कम कि जीत तो हुई लेकिन बेस्वाद रह गई। जैसे कि भाजपा के अरुण गोविल को मेरठ से 10,585 वोटों से जीत हासिल हुई।
अलीगढ़ से सतीश गौतम सिर्फ 15,647 वोटों से जीते, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत 2678 वोटों से, फूलपुर में प्रवीण पटेल 4,332 वोटों से और बांसगांव में कमलेश पासवान सिर्फ 3150 वोटों से ही जीत दर्ज करा सके। ऐसा नहीं रहा कि बेस्वाद जीत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को मिली, बल्कि हकीकत यह है कि बेस्वाद जीत का स्वाद इंडिया गठबंधन ने भी चखा। इंडिया गठबंधन के धौरहरा से आनंद भदौरिया 4,449 वोटों से जीते, हमीरपुर से सपा के अजेंद्र सिंह लोधी भी मात्र 2629 वोटों से जीत सके, सलेमपुर से सपा के रमाशंकर राजभर 3573 वोटों से जीते। वैसे इंडिया गठबंधन ने 15 सीटों पर 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज कराई। इनमें नगीना, मुरादाबाद, संभल, मैनपुरी, रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, कौशाम्बी, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, बस्ती, आजमगढ़, घोसी, जौनपुर, मऊ और सोनभद्र शामिल हैं। चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले उत्तर प्रदेश में जिस तरह टिकट बांटे गए वह भी कम चौंकाने वाले नहीं थे। टिकट के बंटवारे में भी किसी मानदंड का पालन नहीं किया गया, जिलों में पार्टी के पर्यवेक्षक नहीं भेजे गए, क्षेत्रीय अध्यक्ष से पूछा नहीं गया, प्रदेश चुनाव समिति की कोई बैठक नहीं हुई, सिर्फ अध्यक्ष से यह कहा गया कि वो उम्मीदवारों का एक पैनल दे दें। संगठन का हाल यह था कि भूपेन चौधरी इस मलाल में रहे कि उनके रहते जयंत चौधरी से समझौते की जरूरत क्या है। संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ थे, क्योंकि प्रदेश को जानने के लिए जितना समय चाहिए वह उन्हें मिल ही नहीं सका। चुनाव मैदान में 36 ऐसे लोग उतारे गए जो दूसरे दलों से आए थे। बीच चुनाव में ही ठाकुर मतदाताओं को नाराज कर लिया गया। खुद योगी आदित्यनाथ ठाकुर मतदाताओं को मना नहीं पाए। ब्राह्मण समुदाय राज्य की जाति राजनीति से ऊपर उदास बैठ गया, उसे बूथ तक पार्टी वाले नहीं ला पाए। पिछड़ों ने तो अखिलेश यादव की ओर रुख किया। मायावती भाजपा की बी टीम है, यह बात खुल करके सामने आ गई। ये सब कुछ सेल्फ गोल करने की गवाही दे रहे थे। हिट विकेट आउट होने वाले खिलाड़ियों की टीम अगर पदक के हकदार हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, राम की कृपा ही तो। पार्टी ने जो किया सो किया, मीडिया ने भी खूब लूटिया डुबोई, अपनी वो हालत कर ली कि लोकतंत्र का तथाकथित चौथा स्तंभ ध्वस्त होकर मजाक का पात्र बन गया। बची खुची विश्वसनीयता भी खो बैठा। हवाई लंतरानियों के इंतहा सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा, अवनीश देवगन, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, नाविका कुमार, सुशांत सिंह सरीखे पत्रकारों ने तो हद तब कर दी जब वो एग्जिट पोल के नाम पर भाजपा के 400 पार का दावा ठोकते नहीं थक रहे थे। इन दिग्गज पत्रकारों को जनता की नब्ज का तो कुछ अता पता ही नहीं था। सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा था उसे भी ये नज़रअंदाज कर रहे थे। इन्हें यह नहीं मालूम था कि 16 मार्च 2024 से 30 मई 2024 तक YouTube पर कांग्रेस की 613 मिलियन और भाजपा की 150 मिलियन उपस्थिति थी, चार गुने का फर्क। Instagram पर कांग्रेस की औसत लाइक 1,22,000 और भाजपा की 26,945 रही। X पर कांग्रेस की औसत पसंद 2500 से 3000 रही, जबकि भाजपा की 260 से 300 रही। फेसबुक पर कांग्रेस की पोस्ट को औसतन तकरीबन 1200 से 1500 लोगों ने पसंद किया, जबकि भाजपा की पोस्ट को सिर्फ 150 से 250 लोगों द्वारा ही पसंद किया गया। भाजपा ने यह सब तब नोटिस किया जब चुनावी सफर की रेलगाड़ी बहुत पहले निकल गई थी। बदहवासी का आलम यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव विपक्ष की पिच पर ही खेलती रह गई। कार्यकर्ता निराश था। यह निराशा एक और 400 पार के दावे के चलते थी, तो दूसरी तरफ 5 साल लगातार इवेंट्स कार्यक्रम देकर के उसे थका दिया गया था। कार्यकर्ता 10 साल से उपेक्षा का दंश झेल रहा था। यही नहीं, पूर्व विधायकों और पूर्व अध्यक्षों तक से कोई राय नहीं ली गई, उन्हें कोई काम नहीं दिया गया। पार्टी के सांसदों, विधायकों, नेताओं को नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ ने श्रीहीन कर रखा था। 10 साल से कार्यकर्ता इन श्रीहीन नेताओं के साथ समय गुजारने को अभिशप्त थे। कार्यकर्ताओं को एहसास ही नहीं हुआ कि यह हमारी सरकार है। नतीजतन वो हाथ पैर खींच करके बैठ गए। पता नहीं इस बार के कौन चाणक्य रणनीतिकार थे कि अपनी चुनावी पिच तैयार ही नहीं कर पाए, उल्टे विपक्ष की पिच पर खेलने को मजबूर, अपनी बदौलत ही हो गए। विपक्ष की पिच ऐसी रही कि बाबा साहब की किताब बदल देने और आरक्षण छीन लेने के उसके आधारहीन प्रचार को भाजपा काउंटर नहीं कर पाई। भाजपा नेताओं ने बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की सियासत को पीछे धकेलते हुए जातीय राजनीति को अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया। यह भी भारी पड़ा
इस चुनाव में कुर्मी मतदाता सबसे स्मार्ट निकला, उसने किसी पार्टी को नहीं अपने बिरादरी के उम्मीदवारों को वोट दिया। तभी तो अखिलेश यादव ने 10 कुर्मी उम्मीदवार उतारे, उनमें से 8 जीतने में कामयाब रहे। कहा तो यह भी जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटों की समझ भी भाजपा हाईकमान की 10 साल के बाद भी सही नहीं बन पाई। उसने एक तो ओबीसी की कुछ जातियों को लेकर जाति राजनीति कर रहे छोटे दलों पर भरोसा कर लिया, उन्हें गठबंधन का साथी बना लिया। भाजपा हाईकमान ने विज्ञान के उस सिद्धांत को अनदेखा किया, जिस सिद्धांत के मुताबिक कोई भी बड़ा पिंड जब छोटे पिंड के संपर्क में आता है तो छोटा पिंड बड़े पिंड की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। छोटे दलों ने भारतीय जनता पार्टी से शक्ति ली। गफलत के शिकार भारतीय जनता पार्टी उन जातियों में अपना नेता ही नहीं तैयार कर सकी। इन छोटे दलों को साथ लेने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्यों यह समझने में नाकामयाब रही कि 15-20 सालों से सियासत कर रहे ये दल जब विधानसभा में घुसने की स्थिति नहीं बना पाए हैं, अपना एक भी उम्मीदवार जिताने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को विजय दिलाने में ये कितने कारगर होंगे। भाजपा हाईकमान उत्तर प्रदेश की ओबीसी के सियासी चौसर को समझने को तैयार नहीं दिखा। मसलन उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज की 5 बेल्ट है। पहली बाराबंकी से बहराइच तक, दूसरी बनारस से फतेहपुर तक, तीसरी बुंदेलखंड में, कुर्मियों की चौथी बेल्ट बरेली और पीलीभीत के आसपास है। पांचवी बेल्ट श्रावस्ती और अम्बेडकर नगर के बीच की कही जा सकती है। इन पांचों बेल्ट में कुर्मी समाज के अलग अलग नेता होते रहे हैं। कुर्मी समाज के बहुत बड़े नेता रहे बेनी प्रसाद वर्मा भी केवल बहराइच से बाराबंकी तक के कुर्मी समाज के लीडर हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे समझने में नाकामयाब रही। उसने कुर्मी समाज की 5 बेल्ट के लिए एक ही नेता सामने रखा। इसी तरह निषाद समाज की 3 बेल्ट है, एक गोरखपुर से सुल्तानपुर तक, दूसरी वाराणसी से सोनभद्र तक, तीसरी बुंदेलखंड तक। फूलन देवी भी तीनों निषाद बेल्ट की लीडर नहीं हो पाई, पर इस हकीकत को पता नहीं क्यों समझने की जरूरत नहीं समझी गई। इसी के साथ जातीय राजनीति करने वाले बड़े चेहरों को छोटे चेहरों में प्रतिस्थापित करने की कोशिश भी रंग नहीं ला पाई। मसलन लोध समाज के बड़े दिग्गज नेता कल्याण सिंह के बाद बीएल वर्मा के नाम से लोध समाज को साधने की कोशिश हुई, वह भी तब जब उमा भारती मौजूद थी। विनय कटियार और पंकज चौधरी सरीखे कुर्मी समाज के नेता थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अनुप्रिया पटेल का चेहरा आगे किया, जिनके लिए अपना चुनाव जीतना ही बहुत मुश्किल लग रहा था। वैसे तो कहा जाता है केंद्र सरकार के चुनाव का राज्यों से कोई लेना देना नहीं होता है। जब भाजपा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में बड़ी पराजय की शिकार हुई, तब राज्य सरकारों के कामकाज की विवेचना जरूरी हो जाती है, क्योंकि मोदी सरकार 400 के पार, भाजपा नहीं मोदी की सरकार, व्यक्ति केंद्रित राजनीति, अति आत्मविश्वास जैसे गुण दोष तो पूरे देश में रहे, फिर भी उड़ीसा में भाजपा ने सरकार बनाई, तमिलनाडु और केरल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 4 राज्यों को छोड़ दिया तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। केवल उत्तर प्रदेश ही इकलौता ऐसा राज्य रहा जहां सब कुछ ठीक होने के बाद भाजपा ने काफी कुछ गंवा दिया। हां, चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री बदलने की अफवाह को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में कुछ भी महाराष्ट्र, राजस्थान व हरियाणा सरीखा नहीं रहा। इसीलिए उत्तर प्रदेश की समीक्षा अलग से करनी होगी। सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बेहद नाराज किया। 8 दिसंबर 2021 को मुख्य सचिव के साथ राज्य कर्मचारियों की बैठक का एक भी एजेंडा लागू नहीं हुआ। इसमें कोविड के दौरान रोके गए सीसीए यानी नगर भत्ते की बहाली की मांग भी थी। चुनाव के बीच में 26 अप्रैल 2024 को 50 साल से ऊपर के कर्मचारियों को छंटनी का आदेश बिजली महकमे ने निकाला, जिससे राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों में खलबली मच गई। हालांकि इसे आनन फानन में वापस भी लेना पड़ा। तकरीबन 57 लाख युवा पुलिस भर्ती और समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों के लिए आवेदन किए थे। इन भर्तियों के पर्चे आउट हो गए, लेकिन न तो किसी अधिकारी को दंडित किया गया और न ही एग्जाम की कोई नई डेट दी जा सकी। बाबा का बुलडोजर पक्षपात करता हुआ दिखा। योगी आदित्यनाथ ने विकास के बड़े बड़े दावे तो किए, पर उनके मंत्री उसे जमीन पर नहीं उतार पाए। मसलन गड्ढा मुक्त सड़कों के दावों को ही ले, सरकार में कामकाज कराना मायावती के कार्यकाल से काफी महंगा रहा। बहरहाल तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं होता है, लोगों की तीसरी बार बेशुमार उम्मीदें होती हैं। राम हारते तो बीजेपी की तीसरी बार सरकार नहीं बनती, वह भी तब जब कोविड के बाद दुनिया भर में कहीं भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। मोदी सरकार रिपीट हुई, यह राम की जीत है। अयोध्या की बात तो सिर्फ इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि मतदाता व्यक्तिगत आस्था और राजनीतिक व्यवहार के बीच अंतर करना जानता है।
इस चुनाव में सभी के लिए सीखने को बहुत कुछ है। यह राजनीति की बदलती हुई करवट है जो आगे आने वाले चुनाव में भी अपना रंग जरूर दिखाएगी। मतदाताओं की पीढ़ियां बदल रही हैं। जो अस्त्र 20 साल पहले काम आता था वह आज काम नहीं आएगा। उम्मीद है इसे सब समझेंगे, यही परिपक्वता की निशानी होगी। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।